सभी को जय बोले। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए आपकी डिमांड पर एक जिन का अमल लेकर आया हूँ जो मैंने स्वयं कर रखा है, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि भाई जी मुझे गुरु जी मुझे आप जिन का अमल दीजिए जिससे कि मैं जिनको जिनकी साधना कर सके और उनके फ़ायदा ले सकूँ। तो उसी के लिए ही चलते मैं आप सभी के लिए एक जिन का अमलियात लेकर आया हूँ और उसको करके देखिएगा आप लोग, आपको अनुभूति और सिद्धि ज़रूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सिद्धि के लिए देखिए मैं 100% दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के जो पितृ दोष होते हैं उसके चक्कर में और ऊर्जा की कमी के वजह से या फिर थर्ड आई नहीं खुली होती है या फिर चेतना शक्ति नहीं खुली होती है उसके वजह से जो लोगों का अनुभव नहीं हो पाते हैं, शक्ति से नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनके लिए तो मैं नहीं बोल सकता। पर हाँ, आप लोगों को ये अनुभव ज़रूर कराएगा और सिद्ध तो ज़रूर होएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी की हुई साधना है और जब मैं दूंगा तो जब मेरे मुख से आप लोगों लोगे तो उसका 110% इसका रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। तो दोस्तों बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि थोड़े से कामों में व्यस्त हूँ, तो उसके चलते ही अभी नहीं बन पा रही है वीडियो। पर आप सभी लोगों की डिमांड पर अधिकतर लोग मुझको मैसेज करते हैं कि गुरुजी मतलब दूसरे चैनलों पर जिन साधनाएँ दी जा रही हैं आप भी डालिए। तो जिन साधनाएँ मैंने पहले डाल रखी थी और अभी शायद उनका कोई लोग ज़्यादा देख नहीं रहा है, तो शायद मैंने सोचा कि अपना जो स्वयं का जो जिन है उसका अमलियात आप सभी को देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी जानकारी ले लीजिए, फिर इसकी जो विधान है वो बता देता हूँ, फिर आप लोगों को आगे की जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप उसका नाम सुन लीजिए, जो जिन है वो सफ़ेद जिन पाक साफ जिन है, उसका नाम अब्दुल्ला है। ठीक है, अब्दुल्ला है वो जो जिन की श्रेणी के जो उच्चतम जो सरदार के उस कबीलों के सरदार जो होते हैं उसमें से आता है। उनकी भी पूरा एक कबीला होता है, परिवार होते हैं, पूरा गढ़ होता है। तो मान लीजिए अगर उनको आप सिद्ध करते हो तो पूरा कबीला भी साथ में आता है। ठीक है, उनके बीवी बच्चे पूरा परिवार भी साथ में सिद्ध होता है। तो उसको करने से क्या होगा कि सबसे पहले तो ये जिन की खासियत जान लीजिए। ये जिन की खासियत ये होती है कि ये सबसे पहले तो जो साधता है इनको, जो उनका जो आका बनता है, तो वो सबसे पहले उसको हर तरक्की की राह पे, जो बिज़नेस कर रहा है उसको तरक्की की राह पे बिज़नेस बढ़ाने के लिए, और आशिक मिजाज भी होता है हर चीज़ करने के लिए, मतलब षटकर्म में केवल मारण छोड़कर सारे के सारे काम कर सकता है वो, एक एक चीज़। ठीक है, एक एक चीज़ कर सकता है, उसका पूरा गढ़ होता है। अगर आप गलत काम भी करवाना चाहते हो तो अगर वो आप वचनबद्ध करते हो उसको उस वचन में, तो वो आपका काम करेगा, पर वो नहीं करेगा, वो अपने कबीले के किसी ऐसी शक्ति से, नकारात्मक शक्ति से करवाएगा जो उस शक्ति को कर, जो उस शक्ति काम कर सकती है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। और दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन 25 से 30 फीट की होती है लंबाई के मामले में। पतला दुबला शरीर होता है, सफ़ेद वस्त्र होते हैं, नीला से जो रंग होता है इनकी बॉडी का जो होता है वो नीला होता है पूरा। ठीक है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, बिल्कुल काली होती हैं आंखें, उसमें पुतलियाँ जो होती हैं वो भी काली होती हैं, पूरी आँख काली होती है और आँखों के किनारे किनारे भी कालापन होता है और नीला शरीर होता है पूरा। तो दोस्तों जब ये चीज़ ये जो जिन है वो आते हैं, तो ये जिन नहीं है वैसे, तो जिन्नाद है। तो जिन्नाद ही मैं लोगों को देता भी हूँ, क्योंकि जिन से ऊपर होते हैं जिन्नाद, तो अच्छा कार्य करते हैं और कबीलों का सरदार है, तो पावर आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यही वीडियो था दोस्तों, तो वीडियो को अगर देख लिया है तो चैनल पर जुड़ जाइए, जिसको जिसको साधना चाहिए वो ले, और व्हाट्सअप नंबर मैं आप सभी को दे दूँगा। तो ज़्यादा जानकारी मैं अभी यहाँ वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकता इसके बारे में, और आने वाले समय में दूंगा पर इतनी नहीं दे सकता। तो तब तक के लिए जय भोले आप सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करके जाएँ, और पुरानी वीडियोज़ भी देखते जाइए। हमारे जो अभी निःशुल्क ग्रुप चल रहा है उसका लिंक आप सभी लोगों को पुरानी वीडियोज़ में मिल जाएगा, तो जाकर जुड़िए और सीखिए। तब तक के लिए आदेश, जय भोले।